हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। मैंने आपको कल ही बताया था कि आपके एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो अभी आगरा यूनिवर्सिटी की तरफ से ओपन नहीं किया गया है। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, आपका प्रश्न पत्र किस तरह से होगा, सारी ही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो इस नोटिस के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो प्रश्न पत्र है इस बार किस तरह से आने वाला है। यह देखिए, काफ़ी बड़ा नोटिस है, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो आप लोग धैर्य बनाकर इस पूरी वीडियो को देखना ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के क्रम में स्नातक बीए बीएससी बीकॉम प्रथम सेमेस्टर सत्र 2021-22 की परीक्षा के संदर्भ में प्रश्न पत्रों के प्रारूप एवं परीक्षा व्यवस्था संबंधी सामान्य दिशा निर्देश और परीक्षा की पूरी ही नियमावली यहाँ पर इस पीडीएफ के अंदर दी गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें देखिए बताया गया है कि सभी परीक्षाओं यानी कि सभी विषयों तथा तीसरे मेजर विषय, एक माइनर विषय और एक वोकेशनल, यानी कि तीन हो गए यहाँ पर, एक अनिवार्य सह पाठ्यक्रम को कैरिकुलर विषय से संबंधित प्रश्न पत्र की जो परीक्षा है वो 100 नंबर की होने वाली है, 75+25। अभी ये क्या है, अभी ये आपको आगे आपको मैं बताने वाला हूँ अगले पॉइंट पर। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में बताई गई है। ठीक है, प्रायोगिक विषयों की से संबंधित प्रायोगिक परीक्षा भी आप लोगों की 100 नंबर की होने वाली है, यानी कि प्रैक्टिकल भी आपके 100 नंबर के होंगे और रिटर्न परीक्षा भी आपकी 100 नंबर की होगी। इसमें 75+25 और यहां पर भी 75+25 की परीक्षा होने वाली है। ठीक है, अब आ जाते हैं सीधा ही पॉइंट नंबर दूसरे पर। यहाँ पर देखिए, दूसरे पॉइंट पर आपको सारी चीजें बताई गई है। विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुपालन में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS में की व्यवस्था के अनुसार यहाँ पर आपके जो अंक हैं वो उन सभी अंकों को ग्रेड यानी कि क्रेडिट पॉइंट में परिवर्तित कर दिया जाएगा। आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, सीधी बात यह है कि आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, ग्रेड आपको मिलने वाला है। ठीक है, अभी आपकी जो रिजल्ट आप लोग देखेंगे उसमें ग्रेड लिखा हुआ आएगा। आगे तीसरे पॉइंट में देखिए बताया गया, तीन मेजर विषयों और एक माइनर विषय सह पाठ्यक्रम यानी कि को कैरिकुलर विषय की परीक्षा 25% सतत आंतरिक मूल्यांकन इंटर असेसमेंट और उसके बाद आपका 75% वही, ये 25 और 75 का यहाँ पर बताया गया इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, आगे यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 में देखिए सारी चीज़ें और बताई गई हैं आपको डिटेल में। देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, लिखा हुआ है सह पाठ्यक्रम यानी कि को कैरिकुलर विषय की परीक्षा के लिए निर्धारित अंक 75 होगा। परीक्षा प्रारूप यहाँ पर पूरा बताया गया आपको। देखिए सबसे पहले आपको पहला ए पॉइंट दिया गया, क पॉइंट जिसमें कि को कैरिकुलर विषय की जो परीक्षा है वह विकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। यहाँ पर आपका OMR शीट दी जाएगी। प्रश्न पत्र आपका दो भाषाओं में होने वाला है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगा। उसके बाद यहाँ पर तीसरे पॉइंट में लिखा गया है, अनिवार्य को कैरिकुलर विषय की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा सेमेस्टर के अंत में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाली मुद्रित प्रश्न पुस्तिका एवं OMR शीट पर आप लोगों को देनी होगी। वही अगर आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न दिया जाएगा, जैसे आप लोगों ने अभी मेन परीक्षा दी थी कोविड में, उसी टाइप से। ठीक है, OMR शीट पर आपको ये पूरी परीक्षा देनी है, ये वाली को कैरिकुलर वाली। ठीक है, मेन एग्जाम आपको मैं बताने वाला हूँ, भी आपके 100-100 नंबर के दोनों पेपर होने वाले हैं, 75 नंबर का ये और 25 नंबर का वो। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिए, ये आपको बताया गया कि परीक्षार्थियों को किन्हीं 75 प्रश्नों को हल करना है। 100 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उसमें से किन्हीं 75 को आपको हल कर लेना है। प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, वही सारी चीज़ें आपको, ये कॉमन सारी चीज़ें ये तो पता ही होगी। और यहाँ पर आपका जो समय अवधि है वो 2 घंटे की आपको दी जाएगी और हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो 5वें पॉइंट में देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये आपके लिए और इम्पोर्टेंट बन जाता है। यहाँ पर 3 मेजर विषय यानी कि एक माइनर और उसके बाद को कैरिकुलर विषय बाय मूल्यांकन सेमेस्टर परीक्षा संबंधित 75 अंकों की जो परीक्षा है उसका यहाँ पर ये देख लीजिए। अब यहाँ वहाँ आपका बताया जा रहा था अभी कि 2 घंटे की परीक्षा होगी, 75 क्वेश्चन आपको 100 में से करने होंगे। यहाँ पर भी आपके 75 क्वेश्चन, ये आपके 75 अंक यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम निर्धारित 75 अंक आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इस परीक्षा के प्रश्न पत्र के माध्यम से संपन्न कराई जाएगी इसे भी। ठीक है, केवल यह परीक्षा सेमेस्टर के अंत में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सारणी पर, इसको भी सेमेस्टर के अंत में कराया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपकी इस विषय के प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम समय सीमा 3 घंटे की है और उसके बाद ये भी अंग्रेजी हिंदी दोनों में आने वाला है आपका। 100 प्रश्नों में से आपको 75 यहाँ पर भी हल करने हैं। ठीक है,
अब देखिए सेक्शन ए में 10 प्रश्न होने वाले हैं, ये देखिए खंड आ में 10 प्रश्न, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होगा, यहाँ पर 2 अंक निर्धारित होंगे एक प्रश्न के लिए। सेक्शन बी में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 8 प्रश्न मुद्रित होंगे, जिसमें से 5 के उत्तर आपको देने होंगे, और यहाँ पर प्रश्न प्रत्येक प्रश्न के लिए 7 नंबर दिए जाएंगे, और प्रश्नों की उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में आपको देने हैं। वो आपके हो गए कौन से वाले, ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर ये हो गए अति लघु उत्तरीय वाले, ठीक है। और आगे सी सेक्शन जो आपको दिखे दिया गया है यहाँ पर, ये देखिए इसमें 4 प्रश्न होंगे, इसमें से आपको 2 के उत्तर देने होंगे, ठीक। और इसमें आपको कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसमें 200 शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपको 10 नंबर दिए जाएंगे एक प्रश्न के लिए, ठीक। तो ये है पूरा ही आपका पैटर्न, किस आधार पर परीक्षा करवाई जाएगी। पूरा जो PDF है इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा, ये देखिए पूरा प्रारूप भी आपको यहाँ पर दिया गया है, आप लोग यहां पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। सेक्शन ए जैसा कि अभी आपको बताया 20 नंबर का होने वाला है, और ये आपका वेरी शॉर्ट रहेगा, और उसके बाद सेक्शन बी जो है वो 35 नंबर का होने वाला है, और उसके बाद सेक्शन सी जो है वो आपका यहां पर 20 नंबर का होने वाला है, 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। और ये जो ये पूरा प्रारूप है BA, BSc, BCom के सभी छात्रों के लिए है, जो कि प्रथम वर्ष की परीक्षा इस बार देने जा रहे हैं, BA, BSc, BCom प्रथम सेमेस्टर 2021। अब यहाँ पर देखिए नीचे की साइड यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में सही गलत, खाली स्थान भरना, बहुविकल्पीय, एक शब्द का उत्तर देना, ये सारे आने वाले हैं, ठीक है। तो ये मत समझना कि ऑब्जेक्टिव भी आएंगे आपके अति लघु उत्तरी में, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आने वाली हैं। और लघु उत्तरी आपको पता ही है कि किस तरह से करना होता है, मैं आपको पूरा ही एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दूंगा कि कैसे आपको इस बार पेपर सॉल्व करना है, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल पाए। आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, और आप किस कोर्स में पढ़ रहे हैं ये चीज़ नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि सभी लोगों को नया प्रारूप पता लग जाए प्रश्न पत्र का, कि नई शिक्षा नीति के तहत किस तरह से आपकी परीक्षाएं इस बार करवाई जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, सबका लिंक आपको नीचे दे दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।